अदर सिस्टम्स ऑफ़ गवर्नेंस दुनिया में जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ उसके साथ साथ और बहुत सारे पैरवल सिस्टम्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं और इन सब सिस्टम्स की जो बेस है दैट इज़ गवर्नेंस दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्चुअली गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू रन यानी हुकूमत अपनी जगह बट तर्ज हुक्मरानी एक ऐसी टर्म है जिसकी बेस पर डिफरेंट सिस्टम्स को कैटेगराइज करते हैं या उनको हम इवेलोए करते हैं गवर्नेंस बिकॉज डेमोक्रेसी कैन ईजीली बी डिफ्रेंशिटेड फ्राम अदर फॉर्मसरिटी बाई आइडेंटिफाइंग इम्पॉर्टेंट कंडीशंस एंड कॉजिम्रेसी पोलिटिकल कल्चर यानी अगर हमने ये देखना है कि पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अदम बर्दाश्त है या पॉलिटिकल कल्चर बर्दाश्त करता है अपनी ऑपोजिशन इसकी बेस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया डेवलप होता है ऑन द बेसिस ऑफ़ टॉलरेंस ऑन द बेसिस ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ऑन द बेसिस ऑफ़ अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मैस कॉन्सेंट एंड मैस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग these are all basic and primary criterias to evaluate the other systems and other systems of governance in comparison with democracy because if there is democracy then definitely the leadership will try to guarantee the fundamental rights to the people and definitely the system will try to promote द पॉपुलर रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल फिर इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटीरिया क्या है वो ये है कि वट द प्लेस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इफ द पोलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू परसू द डेमोक्रेटिक कल्चर विद इन द स्टेट दैन इट मीन्स दैट देयर इज अ स्पेस फॉर पोलिटिकल पार्टी एंड इट कैन बी प्रैक्टिस अंडर अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन डेमोक्रेसी देर इज़ नो लिमिट टू देयर नंबर यानी पोलिटिकल पार्टीज़ कितनी भी हो जाए डेमोक्रेसी उस पर पाबंदी नहीं लगाती बट इन दथोरिटेरियन एंड द डटेटर टाइप ऑफ सिस्टम्स नॉर्मली देअर मस्ट भी और देयर कैन बी अ सिंगल पार्टी जो uh, जिस पार्टी की हकूमत होगी वही पार्टी की एक्जिस्टेंस जो है वो सिस्टम के अंदर नज़र आती है आम तौर पर यही बात होती है कि उस पार्टी के अलावा बाकी पार्टीज़ को ना तो इलेक्शन का हिस्सा बनने दिया जाता है और ना ही हमें नज़र ये आता है कि वहाँ किसी और पार्टी का वजूद जो है वो मौजूद है और अगर किसी पार्टी का वजूद हो भी तो तब भी वो महज नाम का ही एक सिंबॉलिक उनकी प्रेजेंस जो है वो मौजूद होती है तो व्हेन वी वांट टू तो हैव सम्पेफिक डायरेक्शंस रिगार्डिंग द अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड इन कम्पेरिजन विद डेमोक्रेसी तो हमने जो क्राइटेरिया डिज़ाइन किया या हमने जो बात समझी वो ये है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर प्रॉपर एक मेकनिज़म है ऑफ रिप्रेजेंटेशन देर आर समुलर गाइडलाइंस फॉर दर लीडरशिप देर आर समर्टिकुलर गाइडलाइंस

उसके आल्टरनेट मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते सिस्टम के अंदर और दूसरी बात कि सिस्टम के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें नज़र नहीं आता और इस सब का जो अल्टीमेट एंड रिज़ल्ट बनता है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर टॉलरेंस लेवल कम होता चला जाता है क्योंकि ऑपोजिशन मौजूद नहीं होती या ऑपोजिशन प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती तो लोगों का मिजाज आहिस्ता आहिस्ता ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाता है कि या तो वो आवाज़ उठा नहीं सकते या वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन सिस्टम की जो पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं दे ऑल हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस तो हम अपने लिए या समझने के लिए स्पेसिफ़िक टॉपिक को वी कैन से दैट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम The voice of people is there, but in the other form of government, there is no voice or there is a minimum voice of people.